जिस तरह से बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया है उसे देखते हुए अब और सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। अब लॉकडाउन के दरमियान सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सड़कों पर कार और बाइक नहीं चलेगी। सब्जी, राशन, दूध और जरूरत के दूसरे सामान खरीदने के लिए पब्लिक को पैदल ही आना जाना होगा। इसके लिए DGP गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दे दिए गए हैं। रविवार की रात DGP ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। इस पूरे मामले पर सोमवार को DGP ने बताया कि राज्य के अंदर रोड पर अब सिर्फ वही गाड़ियां चलेंगी जिन्हें प्रशासन की तरफ से पास निर्गत किया गया है। जो गाड़ियां इमरजेंसी सेवा में चल रही हैं, जो एसेंशियल सर्विस में हैं, उनके अलावे मीडिया के लोगों की गाड़ी सड़क पर दौड़ेगी। पूरी तरह से स्पष्ट है कि कार और बाइक से किसी को सब्जी, राशन और दूध लाने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए पैदल ही जाना होगा। वेंडिंग जोन बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे के अनुसार सभी जिलों के DM और SSP व SP को जगह चिन्हित कर वेंडिंग जोन बनाने को कहा गया है ताकि उसी वेंडिंग जोन में जाकर लोग सब्जी फल खरीद सके। अब तक यह हो रहा था कि सब्जी फल खरीदने के लिए लोगों को मंडियों में पब्लिक की भीड़ देखी जा रही थी। ऐसे में पब्लिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रही थी, लेकिन वेंडिंग जोन में पब्लिक को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। इसे पुलिस पूरी जिम्मेवारी के साथ मेंटेन कराएगी। बेवजह रोड पर दिखे तो सीधे जाना पड़ेगा जेल। अब बाइक, कार के अलावे पैदल में ही बेवजह कोई रोड पर या अपने घर के बाहर घूमते हुए पकड़ा गया तो पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। बेवजह घर से बाहर निकले लोगों के खिलाफ पूरी सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। ऐसे लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजने का आदेश दिया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ 24 घंटे में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। DGP पहले भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के नाम गुडा रजिस्टर में दर्ज करने के साथ साथ वैसे लोगों को FIR दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन के 908 FIR दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 706 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया के जरिए राज्य के अंदर सामाजिक नफरत फैलाई जा रही है। DGP ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की टीम लगातार सोशल नेटवर्क पर भी कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन पीरियड में भी सामाजिक नफरत फैलाने के मामले में 2 दर्जन FIR दर्ज किए गए हैं। इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी और उन्हें सजा भी दिलाया जाएगा। इस तरह के मामलों में आगे भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।